हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अनिल सेठी है और आज मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि एलर्जी का शब्द नाम सबने कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा, लेकिन एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस बारे में बहुत सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सा भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी अनअवेयरनेस है इसके बारे में। क्योंकि देखिए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए किन चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसके रूट कॉज है हमारे स्वास्थ्य के बनने और बिगड़ने में, वो है हमारा खाना, हमारा भोजन, हमारा जलपान। और उसमें से कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है, कौन सी चीज़ हमें टॉलरेट कर सकते हैं, कौन सी हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ये एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो आज की डेट में दुनिया समझती है कि एलर्जी का मतलब क्या है, एलर्जी देखिए, आपने कोई चीज़ खाई, आपका गला चोक होने लगा, आपके शरीर में रैशेज हो गए, आपको परेशानी होने लगी, अनइजीनेस होने लगी, आपको चोकिंग होने लगी, आप बात करने में परेशानी होने लगी, तो ये तो होगी एलर्जी, जो कि आपको खाना खाने के फौरन बाद हो सकती है, 10-15 मिनट में, आधे घंटे में हो सकती है। लेकिन जो फूड इंटॉलरेंस है वो 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक कभी भी हो सकती है, और उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने कल क्या खाया वो शायद याद नहीं रहता, तो 3 दिन पहले क्या खाया वो तो मतलब ही नहीं याद होने का। और देखिए, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में है दुनिया में, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, बिकॉज दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। और लाइफस्टाइल डिजीजेस कहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ से हमारा ये खान पान सारा होता है। हमारी बॉडी जो चीज़ एक्सेप्ट करती है एक्सेप्ट करती है, जो नहीं एक्सेप्ट करती उसके लिए सिग्नल देती है, सिम्टम्स देती है। तो मेरा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कहने वाली बात है कि आज के दौर में हमारा खाना पीना बहुत बदल चुका है। हम हर चीज़ के अंदर हमारे केमिकल्स हैं, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल्स हैं, पर हमें पता भी नहीं होता कि किस चीज़ में कौन से केमिकल्स हैं, किस चीज़ में कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। और इसको जानने के लिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी हम इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि हमने आज जो खाना खाया वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि बॉडी वो कई दिन बाद रिएक्ट करती है, और वो रिएक्शन जो है हमें पता भी नहीं चलता, सिर्फ हमें तकलीफ पता चलती है, उसके लिए फिर सप्रेस करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है, एसिडिटी हो गई जी। अब एसिडिटी हुई तो हुई क्यों, ये सिम्टम है, ये कहीं ना कहीं फूड इनटॉलरेंस है। कभी आपको सिर दर्द हो गया, कभी आपको माइग्रेन हो गया, या आपको रैशेज हो गए, तो ये सारे के सारे सिम्टम। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं कुछ चीज़ें खाने के बाद, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स इस बात के लिए कहते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो शायद हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और जब ये बॉडी जब एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैगजीन ने भी इसको कवर स्टोरी बनाया है कि इन्फ्लेमेशन एक साइलेंट किलर है। तो जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन जनरेट करती है, और वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। आप यकीन नहीं करेंगे, कैंसर भी उसी इन्फ्लेमेशन का अंतिम रूप है। तो अगर हमें अपना पता चल जाए कि हमें कौन सा खाना हमारे लिए बेहतर है, कौन सा खाना हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो शायद हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो आज यहाँ पे सबसे पहले बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने खाने की तरफ थोड़े सचेत हो जाएँ, अलर्ट हो जाएँ कि आप क्या खाना आपके लिए बेहतर है, क्या खाना आपके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि देखिए, हमें लगता है कि जब यंग होते हैं, यूथ होते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ खा लेते हैं कि सब कुछ हजम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आज के दौर में आप किसी भी चीज़ की प्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा मिलावट और इतनी ज़्यादा इम्प्योर चीज़ें मिल रही हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और इस सब के लिए बचने के लिए एक जो सबसे सिंपल सी चीज़ है, पहले तो ये देखिए, टेस्ट बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, आज की डेट में आप एक छोटा सा ब्लड सैंपल देके अपना टेस्ट करा सकते हैं, और आपको किस खाने से कितनी एलर्जी है, किस खाने की कितनी फूड इंटॉलरेंस है, वो सारा का सारा डिटेल में पता चल जाता है। और अगर आपको पता चल जाए कि ये 10 चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही, आप वो 10 चीज़ें खाना बंद कर दें, तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के, आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप बाकी दवाइयाँ कितनी भी लेते रहें, कुछ भी लेते रहें, आपको फ़ायदा नहीं। क्योंकि देखिए, इस जीवन में जिस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा साथ देना है, वो आपका शरीर है, और उस शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा जो आपके काम आएगा, वो आपका भोजन। क्योंकि देखिए, आप 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो आपका सांस, हवा, ऑक्सीजन और पानी, और उसके बाद आता है फूड। अगर आपको फूड ना मिले तो आप कुछ समय तक गुजार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर फूड ना मिले तो आपकी हालत ख़राब होने लगेगी। तो अगर आप फूड सही तरीके से खाना, अपना खाना खाएँ, तो आपको बहुत
बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं और हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े और आपको हेल्दी लाइफ मिले तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हर कोई चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही हो। और इसके लिए एक छोटा सा सैंपल, ब्लड सैंपल लेके आपका टेस्ट हो सकता है और आपको पता चल सकता है कि किन किन चीज़ों का फूड इंटॉलरेंस है आपको, और आप उनसे बचें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए, इसके लिए एक और जो छोटी सी चीज़ जो मैं और यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, आप जो भी खाना खाते हैं उसका 4 डे रोटेशन इस्तेमाल करें। अगर आपने आज एप्पल खाया तो अगले 4 दिन तक एप्पल अवॉइड करें, आज बनाना खाया तो 4 दिन बनाना अवॉइड करें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको चाहिए वो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसे मिलती रहेगी। क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंजन है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की और मैग्नीशियम की, विटामिन D3 की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है आपको। और जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके लिए हमें बहुत उस पर्टिकुलर पोर्शन का इंजन काम करना बंद कर देता है या पर्टिकुलर एक्टिविटी बंद हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाती है। किसी भी समस्या को सुलझाने का, जड़ से ख़त्म करने का तरीका यही है कि उसकी रूट कॉज तक पहुँचा जाए। अब कोई भी समस्या है तो उसका रूट कॉज पहुँचने का तरीका क्या है। देखिए, जैसे आपको आज एसिडिटी हुई, आपने दवाई ली और एसिडिटी ठीक होगी, दोबारा नहीं हुई तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको 10 दिन बाद फिर एसिडिटी हो गई, फिर आपने दवाई ली, 15 दिन बाद फिर एसिडिटी हो गई, अगर ये कंटिन्यूएशन है, लॉन्ग टर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई फूड इंटॉलरेंस है और इसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आप ऐसी खा रहे हैं जिससे कि वो आपकी एसिडिटी बार बार हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को लूज मोशंस हो सकते हैं, तो अलग अलग सिम्टम्स हैं, तो वो सिम्टम्स हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं और फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स यही हैं। लेकिन अगर इसको समझना है तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट करा के अपनी सारी जितनी फूड से आपको इंटॉलरेंस है वो पता चल जाएगा और आप उनको अवॉइड करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, और अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो हम आगे जाके बहुत स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।